Straight punches, come on. तो क्या हाल है, मैं आप सुनेंगे, अरे भाई उन्हें बहुत जुनूनी है, अरे हमारे भाई उन्हें सोच लिया तो कर लेता, वो कैसा सुने ना बोलते होंगे लोग। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम गाइस। मेरा इससे पहले आप ब्लॉग देखे होंगे, अरे सबसे पहले जो है अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल गोल्डन ही चला रहे रजा क्लास एक्स को जरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सबसे पहले सबसक्राइब कर लो। तो दूसरी चीज़ ये बोलना, इससे पहले मेरा व्लॉग देखे थे आप, जिसमें जो है सो अपने तेलंगाना से बच्चे जो है सो स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल लड़ने जा रहे थे। एक्चुअली एक हिसाब से नेशनल था वो, ऑल ओवर द स्टेट या फिर ऑल ओवर द नेशन जो है सो अपने पूरे प्लेयर्स आए थे इधर से उधर से वहाँ से यहाँ से, तो अपने जो है सो अपने हैदराबाद चंद्रा मुट्टा के बच्चे जो है सो और ऑल ओवर द मतलब अपने तेलंगाना के पूरे गए। खास करके आज जो है सो मैं अंदर आ रहा हूँ, आज जो है सो एक स्पेशल पर्टिकुलरली जो है सो ट्रिप के अंदर आया हुआ जहाँ पे जो है सो मैं ट्रेनिंग लेता हूँ और जो है सो यहाँ पे आके एमएमए वगैरह। तो हमारे क्लब के जो है सो चार बच्चे जो है सो नेशनल जीते, तो वही खुशी में जो है सो अपन यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं। वो कौन सा प्लेयर है मैं बताता हूँ, बट उससे पहले हमारे दूसरे भी खतरनाक प्लेयर है, टिल्लू टिल्लू प्लेयर है, थर्ड फोर्थ के बच्चे ये बच्चे की मुस्कान तो नब्बे लाओ तो बैग पहनगा तो बगल ही मिला देगा सामने रहना बॉडी में करने का। डोंट स्टॉप अंटिल 50, आप लोग 10 करेंगे।
मेहनत करने के बाद ये करना बहुत खतरनाक है भाई, स्टैमिना होना पड़ता है, पूड़ियाँ चिकेटा खाने वालों के ऐसे नहीं है। तो चल रही है कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिस चल रही है जी, जैसे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट इवेंट के लिए फाइटर्स रेडी हो रहे हैं जी। जो इंशाल्लाह स्टेट मोहित है MMA भी रहेंगी और जुजित्सु की चैंपियनशिप भी रहेंगी जी। चलिए चलिए गुड गुड, ये करने से आपका वेट लॉस भी होगा, बहुत बेहतरीन, पूरी बॉडी एक्टिव रहती है। क्या हुआ, थक गए? मारो जल्दी मारो, हो गए 50 मान लिया, देखो ये बच्चा अभी तक दूसरे लोग मानने में है, छोटा बच्चा दे रहे कितनी फास्ट 50 मान लिया। तो जो है सब इन लोगों का वर्कआउट हो गया, तैयार हो रहे हैं जो अगले इवेंट के आज, मैं कब तैयार होता हूँ कि नहीं मालूम, खाली छुट्टी का मैं बिजी हो गया। रेडी स्टार्ट क्वेश्चन थ्री, जब तक मैं डाउन नहीं बोला मुझसे कोई नहीं देगा, व्हेन आई से डाउन क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर, थ्री टू वन स्टार्ट गो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, मैं ये व्लॉग कहीं को बना रहा हूँ बिकॉज हमारे जिम के जो है सो हमारे क्लब के जो है सो चार जबरदस्त बेहतरीन जावास खतरनाक खिलाड़ियों को जो है सो गोल्ड मेडल मिला, तो वो खुशी में जो है सो एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे, ट्रिब्यूट करेंगे तो हमको जो है सो बूस्ट करेंगे, उनको जो है सो थोड़ा सा क्या बोलते हिम्मत अफजाई बोलो, एक खुशी का इजहार करने के वास्ते। तो ये हमारे कोच हैं सैफ भाई, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जबरदस्त चार गोल्ड मेडल आए, अब थोड़े लोगों को रहता गोल्ड बल के सेमी गोल्ड बल के वैसा नहीं रहता, वो गोल्ड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन उसकी वैल्यू है, तो ऐसा है। तो अभी जो है सो हम हमारे विनर्स या हमारे दो फाइटर्स को बुलाएंगे, तो सैफ भाई शुरुआत करिए पहले फाइटर से। तो पहले फाइटर है हमारे सबसे सीनियर जिसकी मैं बात करूँगा, जो है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बारे में देखिए आप, अब्दुल्ला जो है पहले भी मुए थाई चैंपियन रह चुके हैं जी, और माशाल्लाह से नेशनल लेवल MMA भी खेले हैं। मुबारक मुबारक से भी, तो ये खुश नसीबी है हमारी कैम हमारे सीनियर फाइटर भी जो है सो गोल्ड मेडल बना रहे हैं, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। माशाल्लाह अगले साल आप इतना बड़ा गोल्ड मेडल देंगे थोड़ा करीब भाई, इनके बारे में भाई की जो फाइटिंग में जो काबिलियत है, जो खासियत है भाई की, वो आप अगर बोले तो अच्छा रहेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप रज़ाक भाई खुद पर्सनली जानते हैं कि अब्दुल्ला की ट्रेनिंग कैसी होती है, तो अब्दुल्ला जो है माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग फाइटर है ये क्लब के, माशाल्लाह और तो आगे है माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला की फाइट जो रहती है हमेशा नॉकआउट के जैसी रहती है, इस बार अब्दुल्ला क्या करे कि टेक्निकल खेल के मैं जीतूंगा बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्पायर्ड उनको शोल्डर में इंजरी थी, अच्छा, तो उन्होंने जो है मैं फाइट नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने फाइट करे है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इंजरी रखते हुए पर भी जीत के अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड लेकर है माशाल्लाह। तब जा रहे थे भाई ट्रेनिंग को जाने से पहले जो है सो भाई की फाइट देखा मैं, वो फाइट बोलते कि घुस जा रहा हूँ मार के निकल जा रहा है तो वाला देख के वाला बंदा बहुत खतरनाक है बोल गए, तो माशाल्लाह भाई बेहतरीन, मुबारक, अल्लाह आपको और तरक्की दे और कामयाबी दे। तो हमारे नेक्स्ट फाइटर भाई बैठे, हमारे नेक्स्ट फाइटर है मोहम्मद बहादेला भाई, तो भाई भी जो है सो गोल्ड मेडल लेके आए, भाई को जो है सो क्या हाल है, मैं आप सुनेंगे अरे भाई उन्हें बहुत जुनूनी है, हमारे भाई उन्हें सोच लिया तो कर लेता, वो कैसा सुने ना बोलते होंगे लोग, ये देखा सो मैं बंदे को, बंदा तो सोच लिया वो करके रहता, जुनूनी बंदा है, तो शायद ये भी एक वजह है इनकी सक्सेस की। बिल्कुल, तो अल्लाह आपको जो है और तरक्की दे और कामयाबी दे। चलिए भाई मुबारक। तो भाई ये प्लेयर कैसा है आपका,
ये प्लेयर का आपके बारे में पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा कि स्टार्टिंग कैसा हुई। स्टार्टिंग इनकी ये हुई कि पिछले साल जो इनको फाइट करना था हम आए थे फिटनेस के लिए, और आपका वेट जो है माशाल्लाह 70 क्रॉस था। ओहो, तो जो है आए फिटनेस, वेट लॉस हो गया, फाइटिंग देखे के जो है मैं फाइट करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोला मैं करा दूँ फाइट, नो वरीज, लेकिन आपके फैमिली सपोर्ट कैसा है? मार लग जाता, डैमेज होता, मार्शल आर्ट गेम ही ऐसा है, तो घर में आपके अलाउड नहीं था। फाइनली घर में जो है जिद करके, जैसा भी है लड़के अपने घर में मना के जो है पार्टिसिपेट करे। दो फाइट लास्ट ईयर, दो फाइट का एक गोल्डन मेडल मिल गया माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब वो जीत ऐसी हो गई, खुशी इतनी हो गई घर वालों को, जो है घोड़े पे बैठा दिया माशाल्लाह, घोड़े पे बैठा माशाल्लाह, घोड़े पे बाजा वाजा दावत माशाल्लाह, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। और इन्हों रहने वाले बारकस के, तो बारकस की जितना भी आवाम है माशाल्लाह बहुत वार्म वेलकम करी मोहम्मद को लास्ट टाइम भी और अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। चलिए, तो अब अगले फाइटर हमारे, अब हमारे नेक्स्ट फाइटर है ओवेस। ओवेस के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप हुआ अगर तो आप वो वीडियो डाल दीजिए, क्योंकि वो मैं बोलने से ज्यादा पब्लिक को दिखाना है, पब्लिक को दिखाना है। ओवेस भाई को देखो आप, ओवेस भाई को मुबारक मुबारक। पहले भाई की वो जो है संकोची करके भाई के बारे में बात करेंगे। ओवेस भाई, अल्लाह आपको और तरक्की दे और कामयाबी दे, असली बोल रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुबारक मुबारक। तो भाई ओवेस भाई के बारे में, अब ओवेस भाई को देखो एकदम दुबले पतले, एकदम ऐसा दिखता कि भाई आदमी बहुत मासूम है, या फिर कुछ भी नहीं कर सकता, हाल कैसा समझते भाई का। तो ऐसा शॉट अगर आप लगा देखे तो मारे आदमी को मारते कि चित हो गया। ओहो, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये, तो देखे आप लोग कैसा मारे भाई, रुआब से गए उठा के मारे ने चित, भाई जीत के आ गए। तो भाई वैसा है, मगर क्या है, मैं भाई को जब यहाँ पे खेलते हुए देखता था भाई, तो मैं आपको बोला भी था कि भाई बंदा टेक्निकल है, हड़ाहुड़ी नहीं करता आदमी, टेक्निकल है, पॉइंट देख के सही टाइम पे सही पंच मारता। तो ये बंदे का खेल मेरे को बहुत पसंद आता जब भी मैं देखता हूँ हमारे ओवेस भाई का। तो माशाल्लाह भाई, अल्लाह आपको और तरक्की दे और कामयाबी दे, ऐसी टेक्निकल खेलो आप और हमारे तेलंगाना और हमारे क्लब का भी नाम रोशन। तो हमारे एक और प्लेयर है, नेक्स्ट है हमारे लास्ट प्लेयर मोहम्मद अल उमर अल कुरैशी। भाई का गोल्ड मेडल माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे और कामयाबी दे। तो भाई का फूल सलीम। तो हमारे हमारे उमर भाई देखो जितने शर्मीले दिख रहे हैं आपको, फाइट में नहीं है मार के गुप्पा कर देते तो बहुत अच्छे फाइटर है। तो वो कुछ इंसिडेंट भी हुआ था, आपको बोल नहीं सकते, फाइटिंग के ट्रेनिंग के टाइम पे होते रहते, मारना लगते रहते, बट उसके अलावा भी आदमी इतनी हिम्मत से, अरे हंस रहे थे ज्यादा इंसिडेंट हो तो भाई आप अगर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई उमर के बारे में मैं ये बोलूंगा कि उमर को जो है, अब आप देख रहे हैं फाइटिंग करते हुए तो आप देखे, लेकिन उमर को एक्सपीरियंस फाइट का बिल्कुल जीरो था। अच्छा, आप जितने भी इनको भी देखे, मोहम्मद को देखे, ओवेस को देखे, अब्दुल्ला को देखे, ये लोग ऑलरेडी चैंपियनशिप खेले हुए, लेकिन उमर की ये पहली चैंपियनशिप थी। अच्छा। उसके लिए माशाल्लाह तैयारी कर रहे थे बहुत टाइम से, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फाइट में ही गोल्ड आ गया। अरे माशाल्लाह। तो मैं बोल रहा हूँ जिम का नाम चेंज करके गोल्डन जिम रख दिए मेरा भी प्रमोशन हो जाता तो भाई तशरीफ रखिए, मुबारक बहुत मुबारक। तो अभी क्या रहा तालुम है भाई, बैठिए। तो इन सारे लोगों को ट्रेन कौन करे? हमारे सैफ भाई, हमारे कोच, जो कि बहुत अच्छे, और बहुत, मैं आपको वीडियो के बीच में ही बोल रहा था कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और बहुत अच्छे से ट्रीट करते अपने स्टूडेंट्स को, और एक मोटिवेट करते, ये नहीं बोलते कि भाई तेरे से नहीं हो सकता तो हट जाना, ये बोलते ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा करो, ये गलत कर रहे इसको सही करो, मेरे को खुद को बहुत मोटिवेट करे। आप ना देख सकते पंडावा छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी स्ट्रेंथ, इतने लोग आना एक कोच के पास में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से आप ट्रीट करते, बिहेव करते, उनको मोटिवेट करते। तो वो मोटिवेशन की वजह से आज यहाँ पे हमारे क्लब में इतने बच्चे गोल्ड मेडल लाए, बिकॉज इंसान मैदान में नहीं, मैदान में जाने से पहले तैयारी में ज्यादा जीतता, जब उसका जहन बन जाता कि ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैं कर ले सकता हूँ, बोल के। तो हिम्मत बहुत जरूरी है, तो ये खुशी में भाई फूल। तो कोच साहब का भी जो है बिल्कुल करना बहुत जरूरी है,
आपकी ट्रेनिंग के तो गाइस ये बहुत अच्छा खेल है, ये मतलब एक स्पोर्ट में आता मैं खेल बोल रहा था अपना गलत समझेंगे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक ट्रेंडिंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी जो है सो अगर आप लोग अभी अच्छी ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं वो जैसे या आप इसको बोल सकते हैं सेल्फ डिफेंस फिटनेस हेल्दी स्पोर्ट और एक जो है सो इंसान ये करने के बाद जो है सो बहुत फुर्ती ला रहा था और एक बेहतरीन चीज़ भी है इंसान के वास्ते जिस हिसाब से आजकल बीमार है तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं भी बहुत तंदुरुस्त हूँ, थोड़ा कम करना है तंदुरुस्ती में तो आप भी जो है सो अगर MMA मुथाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो साहिब भाई के पास आ सकते हैं आप। अगर आप चंद्रकुट्टा बाबा नगर बारकस सलाला पहाड़ी शरीफ या फिर इस तरफ जिधर भी रहते आस पास तो आप चंदन गुट्टा आइकॉनिक जिम को आकर जो है यहाँ पे MMA ट्रेनिंग ले सकते हैं, मुथाई ट्रेनिंग ले सकते हैं। डिटेल्स वगैरह आपको जो है सो पूरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसके अलावा स्क्रीन पर भी आपको स्क्रॉल होते हुए दिखेंगे। तो आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं मोस्ट वेलकम, आइए ज्वाइन करिए, मजे लीजिए, मज़ा है जिसमें। तो मैं हमारे वीडियो देखने में अगर कोई स्पॉन्सर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई हमारे एथलीट को हमारे प्लेयर को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं किसी भी तरह से तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो हमारे प्लेयर्स चलो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन।